तिरस्कार किए, वहां पर बिताए, उनके तरफ आप क्यों वकालत ले रहे? अब रहा अब फाइनल बात है, आप 7 सीट जीते, मगर बहादुरपुरा में कितने वोटों से जीते, नामपल्ली में कितने वोटों से जीते, एक बार ये भी आप हिसाब किताब ले लो। अकबर साहब, हमको कोई एतराज नहीं है, आपके पार्टी जिताने के लिए, आपके पार्टी अगर 9 सीट 10 सीट 12 सीट कुछ भी जीतने के लिए, आपका पॉलिटिकल पार्टी का हक है, मगर माइनॉरिटी का हक बचाने का जिम्मेदारी हमारे है। हर बहुत सारे प्रदेशों में हम मुख्यमंत्री बनाए, इस देश का राष्ट्रपति माइनॉरिटी को हमने बनाए, आपने नहीं बनाया, आप नहीं बनाया। बिहार के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र में हम लोग मुख्यमंत्री बनाए माइनॉरिटीज को, इस देश का राष्ट्रपति हम ही ने बनाया माइनॉरिटी को। आपके सुझाव से नहीं, हमारे जिम्मेदारी है माइनॉरिटी को साथ में लेकर चलने का। हम किसी से माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए किसी से सीखने का जरूरत नहीं है। 4% रिजर्वेशन दिया हमने दिए, 12% वादा किया, धोखा किया उस आदमी से, आप दोस्ती कर रहे, ये ठीक नहीं, आपका मर्जी, आप डिसाइड कर लो किसके साथ में रहना, मोदी के साथ में रहना, मोदी को मदद करने वाले के साथ में रहना, न्यूट्रल रहना, सेक्युलर रहना, आपका मर्जी है, आपका मर्जी को हम कुछ नहीं बोल सकते। मगर कांग्रेस के ऊपर जब इल्जाम लगाने के लिए कोशिश कर रहा है, सोच कर इल्जाम करो, क्योंकि हम लोग, स्पीकर सर నేను ఒకటే మాట చెప్పదలుచుకున్నా, వాళ్ళ ఇష్టం, వాళ్ళు సర్వ స్వతంత్రమైన రాజకీయ పార్టీ, వాళ్ళు ఎవరితోనైనా పొత్తులు పెట్టుకోవచ్చు, వాళ్ళు ఎక్కడైనా పోటీ చేయొచ్చు, వాళ్ళు పొత్తులు పెట్టుకునేదాన్ని పోటీ చేసేదాన్ని కాంగ్రెస్ ఎప్పుడు వ్యతిరేకించదు, మా విధానం మాది, వాళ్ళ విధానం వాళ్ళది, అయితే మైనారిటీ యొక్క